पलवल में केंद्रीय उद्योग और ऊर्जा राज्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने पलवल के राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर नवनिर्मित एलिवेटेड पुल का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि NH-19 हाईवे पर पलवल में बने नवनिर्मित एलिवेटेड फ्लाईओवर की लंबाई 3.25 किलोमीटर है और इस 4 लेन एलिवेटेड संरचना का निर्माण लगभग 215 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। नवनिर्मित एलिवेटेड फ्लाईओवर के बनने से पलवल में अलावपुर चौक से आगरा चौक के बीच यातायात और अधिक सुगम होगा। ये स्थानीय निवासियों के लिए सहज और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक वरदान साबित होगा। आज वो 215 करोड़ की लागत से बनकर इस पलवल के एलिवेटेड पुल को बनने के बाद पलवल को जो जाम से मुक्त करने का जो दृढ़ संकल्प हमारे मंगला जी ने, हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर लिया था, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से और माननीय नितिन गडकरी जी की कृपा से आज वो कार्य संपन्न हुआ है। कृष्णपाल गुर्जर ने आगे कहा कि एलिवेटेड पुल से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह भी कहा, बदरपुर बॉर्डर से लेकर करमन बॉर्डर तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन एलिवेटेड पुल शुरू होने से महज 15 मिनट में ये दूरी तय की जा सकेगी और लोगों का आवागमन सुगम होगा। साथ ही गतपुरी टोल प्लाजा पर टोल की जो दरें निर्धारित की जाएंगी वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार तय की जाएंगी। वाहन चालकों से अधिक टोल नहीं वसूला जाएगा। सिर्फ पलवल ही जाम मुक्त नहीं हुआ है, हमारा पूरा इलाका, पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र आज आवागमन में उसको इतनी बड़ी जो असुविधा थी आज वो समाप्त हो गई है। अब फरीदाबाद बॉर्डर से होडल बॉर्डर जो 2 घंटे 2.5 घंटे में सफर तय होता था, अब 45 मिनट में वो सफर तय होगा। इतनी बड़ी सौगात देने के लिए हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, अपने लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद की जनता की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत और उनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा विकास को गति प्रदान की जा रही है, जिसके तहत पलवल जिले में विकास को नए आयाम दिए गए हैं। पलवल से टोटल न्यूज के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।